नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के सचदेवा, आपके मुंह का फिजिशियन। आज मैं बात करूंगा कि कई पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनके दांतों में या मसूड़ों में जो है खाना जो है बार बार ब्रश करने के बावजूद भी फंसा रह जाता है, और अगर खाना फंसा रह जाता है तो उसके क्या क्या नुकसान। तो सबसे पहले हम कारण जान लेते हैं कि खाना क्यों फंसता है। खाना फंसने के कारण जो हैं, सबसे पहले इन्फेक्शन। अगर मसूड़ों में इन्फेक्शन की वजह से मसूड़े फूल गए हैं तो वहाँ पे पॉकेट्स हो जाती हैं, उसमें खाना फंस जाता है। दूसरा, अगर दांतों में छोटे मोटे कीड़े लग गए हैं, कैविटीज़ बन गई हैं, डेंटल कैविटीज़ हैं, तो उसमें भी खाना फंस सकता है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रशिंग जो है प्रॉपर टेक्निक से यूज़ नहीं करते और बहुत जल्दी ब्रश करते हैं और खाना जो है फंसा रह जाता है तो भी वो सड़ेगा और उससे स्मेल भी आएगी और वो इन्फेक्शन भी करेगा। और इसके आगे अगर आप नाइट ब्रशिंग अवॉइड कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा फंसने का, खासकर बच्चों में जो है स्मेल बहुत आती है मुंह के अंदर से। पेरेंट्स हमें बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे बच्चे के मुंह से स्मेल आ रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे के दांतों में कैविटी है और उसमें फूड लॉजमेंट हो रही है। तो जो आगे फूड लॉजमेंट के नुकसान क्या हैं, अगर खाना फंसेगा तो मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाएगा, मसूड़े में एब्सेस बन सकती है, पस पड़ सकती है, पीक पड़ सकती है, और अगर ये दांतों पे स्टिक करेगा तो वहाँ पे कोई ना कोई कैविटीज़ बन जाएंगी, बाद में इसमें ठंडा गर्म लग सकता है और एक स्टेज से बढ़ने के बाद इसमें दर्द भी हो सकता है। इसका उपाय यही है कि आप प्रॉपर ब्रशिंग कीजिए आराम से 2 मिनट कम से कम, और नाइट ब्रशिंग बहुत ज़रूरी। इसके ब्रश करने के बाद भी अगर आपका खाना फंसता है तो आप कुछ ओवर द काउंटर अवेलेबल जो क्लोर है जो कि अल्कोहल फ्री और शुगर फ्री हो, वो माउथवॉश ही रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, और दांतों के बीच में चले जाते हैं उससे आप ब्रश निकाल सकते हैं, खाना निकाल सकते हैं। और इसके अलावा फ्लोसिंग जो है अनट्रेंड लोगों को नहीं करनी चाहिए, कई बार फ्लोसिंग से जो है मसूड़े छिल भी जाते हैं, तो प्रोटेक्ट हैं। और अगर फ्लोस यूज़ करते हैं तो उसका आप उसका होल्डर से यूज़ कीजिए, और हो सके जहाँ पर अल्ट्रासॉफ्ट होना चाहिए, ब्रशिंग 2 टाइम कम से कम करें और नाइट ब्रशिंग जरूर करें। और फिर भी आपकी समस्या तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।